नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने भारत की ईस्टर्न कोस्ट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में KG-D6 ब्लॉक के सेकेंड गैस फील्ड सैटेलाइट क्लस्टर से गैस प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली कुछ समय पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस डिस्कवर करने के लिए ब्रिटिश मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी BP PLC के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों कंपनीज इस KG-D6 ब्लॉक में 3 डीप वाटर गैस फील्ड्स पर काम करेंगे एंड इस पर्पस के लिए इनकी तरफ से $5 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली थी। एंड दोस्तों ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि ये अकेला गैस प्रोजेक्ट 2023 तक इंडिया की टोटल नेचुरल गैस डिमांड में से 15% डिमांड को खुद ही पूरा करेगा। एंड इसी के अकॉर्डिंग रिलायंस एंड बीपी ने इस डीप वाटर गैस फील्ड के फर्स्ट क्लस्टर आर क्लस्टर को पहली ऑपरेशनलाइज करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी एंड नाउ इन्होंने इस गैस फील्ड के सेकंड क्लस्टर यानी कि क्लस्टर से भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, जो कि इसकी डेडलाइन से 2 महीने पहले स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों इस पूरे डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट में KG-D6 ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 66.67% का शेयर है एंड वही ब्रिटिश कंपनी BP PLC का शेयर 33.33% का है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड महिंद्रा ग्रुप की इंडियन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब्सिडियरी महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि वो उनके अफोर्डेबल एंड मिड प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करने के लिए हर साल 500 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों एक कंपनी उनके बिजनेस के ब्रांड नेम हैप्पीनेस के अंडर अफोर्डेबल हाउसेज प्रोवाइड करती है एंड वही ब्रांड नेम लाइफ स्पेस अम्ब्रेला के अंडर मिड प्रीमियम और प्रीमियम रेजिडेंशियल हाउसेज प्रोवाइड करती है। एंड नाउ कंपनी का प्लान है कि वो उनके इन दोनों ब्रांड नेम्स के अंडर में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिस कारण इन्होंने डिसाइड किया है कि वो एवरी ईयर उनके इन दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो स्पेसिफिकली इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ओनली लैंड एक्विजिशन के लिए होगी। एंड दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 3-5 ईयर्स तक कंटिन्यूसली की जाएगी। दोस्तों कंपनी का कहना है कि उनके इस रियल एस्टेट बिजनेस के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में पिछले कुछ समय से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिस कारण ये इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर ओनली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए होगी एंड मेनली ये इन्वेस्टमेंट मुंबई, पुणे एंड बेंगलुरु, इस तरह की मेट्रो सिटीज में की जाने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला की तरफ से, जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई के लोअर पारेल वर्ली एरिया में उनका एक ऑफिस सेटअप करने वाला है एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला ने उनके इस ऑफिस को सेटअप करने के लिए प्लेस एंड लोकेशन को भी फाइनलाइज कर दिया है। बेसिकली टेस्ला वर्ल्ड की नंबर वन इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी है एंड क्योंकि अभी हर कंट्री उनके ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक इलेक्ट्रिक पुश दे रही है, तो ऐसे में हर कंट्री चाहती है कि टेस्ला की प्रेजेंस उनकी कंट्री में भी हो एंड क्योंकि टेस्ला की प्रेजेंस किसी भी कंट्री के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले ऑटोमोबाइल सेक्टर को रैपिडली पुश कर सकती है एंड करंटली इंडिया में भी टेस्ला उनकी इंडियन सब्सिडियरी को रजिस्टर करवा चुका है एंड मिड 2021 तक टेस्ला इंडिया में उनकी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने की प्लानिंग में भी है। एंड अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि टेस्ला 3 इंडियन सिटीज मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली, इन तीनों सिटीज में उनके ऑफिस सेटअप करने के लिए लैंड सर्च कर रहा है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला ने फर्स्टली मुंबई के लोअर पारेल वर्ली एरिया को आइडेंटिफाई किया है। दोस्तों लोअर पारेल वर्ली एरिया में टेस्ला का ये ऑफिस 40,000 square feet के एरिया में सेटअप किया जाएगा एंड ये ऑफिस एक ऑफिस कम शोरूम होगा, जहां से टेस्ला उनकी इलेक्ट्रिक कार्स की सेलिंग स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में टेस्ला इंडिया में क्या करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है स्टेट ओन ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की तरफ से, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल पाइपलाइन यानी कि मुंबई मनमाड़ पाइपलाइन को रीरूट करके फुली कंस्ट्रक्ट कर दिया है एंड नाउ इवेंचुअली इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया है। बेसिकली मुंबई मनमाड़ पाइपलाइन महाराष्ट्र स्टेट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पाइपलाइन है, जिसे 1998 में ऑपरेशनलाइज किया गया था एंड ये पाइपलाइन टोटल 252 किलोमीटर लंबी है, जो मुंबई से नासिक के पास मनमाड़ तक जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑयल पाइपलाइन स्टेट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पाइपलाइन है, तो ऐसे में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का कहना था कि जिस एरिया से होकर ये पाइपलाइन गुजरती है उस एरिया में पिछले 20 सालों के दौरान काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, रेजिडेंशियल एंड अदर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं, जिस कारण अगर पाइपलाइन में कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस करना बिल्कुल ना के बराबर है एंड BPCL के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन इन फ्यूचर लोगों की जान के लिए खतरा भी बन सकती है, जिसके चलते BPCL ने 450 करोड़ स्पेंड करके इस ऑयल पाइपलाइन को रीरूट कर दिया है, जिसमें 48 किलोमीटर लंबी न्यू पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन किया गया है। एंड दोस्तों इस रीरूटिंग की जरूरत भी थी क्योंकि BPCL की मुंबई रिफाइनरी से मोर देन 80% डीजल एंड पेट्रोल इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एंड आल्सो ये पाइपलाइन मनमाड़ से आगे दिल्ली, महाराष्ट्र स्टेट के और एरियाज, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स तक जाती है, जिस कारण इसकी इंपोर्टेंस काफी ज्यादा है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हिसार हरियाणा से, जहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से रेगुलर एंड शेड्यूल बेसिस पर एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। एंड वहीं हिसार एयरपोर्ट के फेज टू पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया है। बेसिकली अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उड़ान स्कीम के अंडर हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी तक एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर दी गई थी। एंड दोस्तों ये एयर टैक्सी सर्विस तब से बिना किसी शेड्यूल के ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से इस एयरपोर्ट से शेड्यूल बेसिस पर रेगुलर एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसमें हिसार से चंडीगढ़, हिसार से देहरादून एंड हिसार से धर्मशाला, इन तीनों रूट्स पर एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट की गई हैं। एंड ये शेड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो इसी साल 30 सितंबर तक वैलिड रहने वाला है। एंड वही दोस्तों DGCI ने इस एयरपोर्ट को फेजेस वाइज NCR रीजन का थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए भी अप्रूवल दे दी है, जिसमें करंटली फेज 1 में ये एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट की गई है। एंड वही फेज 2 में इस एयरपोर्ट के रनवे को करंट 1200 मीटर से इंक्रीज करके 10000 फीट यानी कि अराउंड 3050 मीटर तक इंक्रीज करने के लिए भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें 165 करोड़ रुपए स्पेंड करके इस रनवे को एक्सपेंड किया जाएगा। एंड वही फेज 3 में इस एयरपोर्ट का इंटरनेशनल लेवल का एक्सपेंशन भी किया जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्लोबल फोरकास्टिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंपनी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की तरफ से, जहां पर उन्होंने फिर से इंडियन इकोनॉमी को लेकर अपनी प्रोडिक्शन एंड प्रोजेक्शंस को रिवाइज करके पिछले एस्टीमेट से डाउनवर्ड कर दिया है। बेसिकली एज यू नो कि आज इंडिया में कोरोना वायरस की भयानक सेकेंड वेव देखने को मिल रही है, जिस कारण डेली लार्ज नंबर में कोरोना केसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट देश की हर एक स्टेट गवर्नमेंट उनकी स्टेट में लॉकडाउन लगाने को मजबूर हो चुकी है, जिस कारण लॉकडाउन होने की वजह से उन स्टेट में बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी, जिसका सीधा असर हमारी इंडियन इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। पर दोस्तों ये लॉकडाउन भी जरूरी है, एंड इसी रिस्ट्रिक्शंस के चलते ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को लेकर उनके प्रोजेक्शंस को डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी का GDP ग्रोथ 10.2% का रहने वाला है। एंड वही इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में इंडियन GDP कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्लाइन होगी, एंड इसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट की GDP डिक्लाइन होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने और भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। बेसिकली दोस्तों ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी के बाउंस बैक को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडियन GDP ग्रोथ रेट 11.8% प्रेडिक्ट किया था, जिसे अब दोबारा से डाउनवर्ड 10.2% तक कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि पिछले साल की तरह हम इस साल भी कोरोना वायरस को हराएंगे एंड आल्सो हमारी इंडियन इकोनॉमी भी बाउंस बैक करेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली अप्रूव की गई वायर गुड्स रिलेटेड PLI स्कीम को लेकर, जहां पर इंडिया वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बताया है कि गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली वायर गुड्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूव की गई PLI स्कीम इंडिया में एयर कंडीशनर की मैन्युफैक्चरिंग को और भी कॉम्पिटेटिव बनाने वाली है। एंड इस कारण इंडिया में वायर गुड्स के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स एंड लार्ज प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट ने जो एयर कंडीशनर्स एंड LED लाइट जैसी वायर गुड्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए 6238 करोड़ रुपीज की PLI स्कीम को अनाउंस किया है, वो स्पेसिफिकली इन वाइड गुड्स के कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ना कि फिनिश गुड्स के लिए। एंड इस PLI स्कीम के अंडर कंपनीज को उनकी प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड सेल्स के अकॉर्डिंग 4-6% तक का इंसेंटिव नेक्स्ट 5 ईयर्स तक प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिस कारण कंपनीज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन एंड ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगी। एंड इंडियन रेटिंग्स के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 8-12% तक चीपर हो जाएगी, जिस कारण यह स्कीम 700 बिलियन रुपीज तक की इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जहां पर रेलटेल इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अक्रॉस दी कंट्री रेलवे स्टेशन पर 100 AI बेस्ड कैमरास को इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड इस पर्पस के लिए ऑलरेडी रेलटेल ने IIT दिल्ली इंक्यूबेटेड फर्म विहार टेक्नोलॉजीज को कॉन्ट्रैक्ट भी सौंप दिया है। दोस्तों ये AI बेस्ड कैमरास बेहद एडवांस कैमरास होंगे, जो रेलवे स्टेशन पर मास्क के पीछे और मास्क पहने पर्सन के फेस को भी पहचान सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली रेलवे स्टेशन पर जो लोग मास्क पहनने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं एंड जो लोग रेलवे स्टेशन पर मास्क का फायदा उठाकर चोरी चकारी करते हैं, उनके लिए AI बेस्ड कैमराज डिप्लॉय किए जाएंगे। एंड दोस्तों अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन, प्रयागराज, लखनऊ, रायपुर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, मल्लापुरम, कोझीकोड, पलक्कड़, थ्रिसूर एंड कन्नूर, इस तरह के रेलवे स्टेशन हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम बाद में बताया जाएगा। एंड दोस्तों सभी तरह की क्लियरेंस मिलने के बाद नेक्स्ट 2-3 हफ्तों में इन AI बेस्ड कैमरास को सभी रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।